Good morning, students. You are all welcome in commerce class, commerce economics class. Yesterday we have discussed about primary data. Here today we will discuss what is secondary data. As you know, this is very important topic of plus one commerce, collection of data. So we can collect the data by different methods, internal sources, external sources, primary data, secondary data. These are main four sources of collection of data. So here today we will discuss what is secondary data. हाँ जी बेटे, आपने कभी देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, वो क्या करता है, इंटरनेट के थ्रू या कोई भी प्रिंट मीडिया के थ्रू जो भी डाटा पहले किसी का यूज किया हुआ पड़ा है उसी से रिलेटेड वो उसी से इन्वेस्टिगेशन कर लेता है. इसको बेटे सेकेंडरी डाटा कहते हैं. देखो, सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू दैट डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाई अदर एजेंसी फॉर सम अदर पर्पज. कहता है सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी एजेंसी ने किसी और पर्पज के लिए कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था. इन अदर वर्ड्स द डाटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड बाई द इन्वेस्टिगेटर्स. वो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर ने खुद नहीं कलेक्ट किया, यानी कि प्राइमरी नहीं है. प्राइमरी तो होता है जो खुद वो कलेक्ट करता है घर घर जाके, पर इसमें वो डाटा जो इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट नहीं किया, पहले कहीं भी मीडिया में, प्रिंट मीडिया से, कोई न्यूज़पेपर से, कहीं इंटरनेट के थ्रू पहले का पड़ा था वही उसने यूज़ कर लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए. इसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं. ओके, इसकी एक डेफिनेशन भी हम देखेंगे. अकॉर्डिंग टू वेसल, वेसल क्या कह रहा है, डाटा कलेक्टेड बाई वन एंड यूज बाई अदर आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. एक पर्सन ने डाटा कलेक्ट किया और दूसरे ने उसको यूज़ किया, यानी कि किसी पर्सन ने पहले का डाटा कलेक्ट किया हुआ था, पहले उसने अपने कोई उसका ऑब्जेक्टिव हो उसका होगा उसके रिगार्डिंग उसने कलेक्ट करके वो डाटा यूज़ किया होगा, और दूसरे किसी और एजेंसी ने उसी के बिहाफ पे जो अपना जो उसका ऑब्जेक्ट है वो पूरा कर लिया, मतलब पहले का जो डाटा पड़ा था उसी को यूज़ करके अपना रिजल्ट निकाल लिया, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये था सेकेंडरी डाटा. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स मेरिट्स, इसके लाभ क्या है. फर्स्ट इज़ मोर कन्वीनियंट. देखो बेटा, ये जो सेकेंडरी डाटा होता है ये बहुत कन्वीनियंट होता है. क्यों? क्योंकि पहले किसी और एजेंसी ने ये डाटा कलेक्ट किया हुआ है और इसकी जो भी मतलब एक्यूरेसी है उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्यों? क्योंकि हमने तो पहले का डाटा ऑलरेडी हमारे पड़ा था, हमने उसको उसके बिहाफ पे हमने रिजल्ट निकाल लिया. सो ये बहुत ईजी हो जाता है, मोर कन्वीनियंट है ये, क्योंकि वो बंदा पहले इसको यूज़ कर चुका, वो मतलब उसने यूज़ कर लिया तो इसका मतलब ये सही है. तो इसका मतलब जो सेकेंडरी डाटा मोर कन्वीनियंट होता है. सेकेंड इज़ लेस एक्सपेंसिव. जैसे हमने प्राइमरी डाटा में किया था, प्राइमरी डाटा में आप करो क्या करोगे, घर घर जाके पूछते हो, है ना, एक एक बंदे से जाके हम पूछते हैं, वो हमें वर्कर रखने की ज़रूरत पड़ती है, जाएंगे वहाँ पे गाड़ी में बैठ के जाएंगे या बाइक वगैरह लेके जाएंगे, घर घर जाएंगे तो वहाँ पे पेट्रोल का भी खर्चा होगा, तो वो एक्सपेंसिव होता है. पर ये तो हमारे पास नेट में ही पड़ा है, नेट में पड़ा है वहीं से हमने उठाया यूज़ कर लिया, तो ये तो खर्चा हुआ ही नहीं. सो ये लेस एक्सपेंसिव है. देन ईजी अवेलेबल. जो प्राइमरी डाटा होता है कई बार वो लोग बताते भी नहीं, है ना, अवेलेबिलिटी नहीं होती, पर ये तो जिस चीज़ के लिए हमें चाहिए हमारे पास, आप नेट पे जाओगे वहाँ पे सर्च करके देख लो, न्यूज़पेपर में निकाल के देख लो, कितनी लाखों तरह का डाटा आपको मिल जाएगा. सो ये जो सेकेंडरी डाटा होता है क्योंकि पहले ही किसी का यूज़ किया हुआ है तो ये हमें नेट पे ईजिली मिल जाता है, ईजिली अवेलेबल है. देन नेक्स्ट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग. जैसे ये इसमें तो टाइम लगता ही नहीं है, हम क्या करते हैं, दो तीन जगह पे चेक करते हैं जाके, जिसका हमें मोर रिलायबल लगता है डाटा वो हम यूज़ कर लेते हैं बैठे बैठे एक मिनट में, तो टाइम का गुंजाइश नहीं रहती, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है. मोर रिलायबल है, मोर रिलायबल मतलब बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, ओरिजिनल है, क्योंकि वो पहले किसी का यूज़ किया हुआ है. सो डियर स्टूडेंट, जो सेकेंडरी डाटा है मोर कन्वीनियंट होता है, खर्चा कम आता है, ईजीली अवेलेबल होता है नेट पे, लेस टाइम बहुत कम लगता है और रिलायबल भी होता है हमें यूज़ करने के लिए.
हाँ जी बेटा, जैसे मैंने इसके मेरिट्स बताए आपको, इसके लाभ बताए, तो इसके लाभ के साथ साथ दूसरी साइड इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं कुछ इसके। फर्स्ट इज लेस एक्यूरेट। हाँ जी बेटे, क्योंकि जो सेकेंडरी डाटा है ये तो किसी का यूज़ किया हुआ है, कई बार कोई पर्सन ऐसे ही उसने जो डाटा कलेक्ट किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो सही ना हो, एक्यूरेसी ना हो उसमें, उसने तो अपने भी आप पे रिजल्ट निकालना था, उसने बता देखा, फॉर एग्जाम्पल वो सही ना बताए हुए हों आंकड़े, फिर क्या करेंगे, लेस एक्यूरेट होता है। तो जो सेकेंडरी डाटा जो होता है वो लेस एक्यूरेट होता है। सेकेंड इज लेस अवेलेबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हमारे पास बेटा जो सेकेंडरी डाटा पड़ा होता है, तो जो चीज़ हमें चाहिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो जो पहले किसी बंदे ने डाटा इकट्ठा किया था वो उसका अपना और ऑब्जेक्टिव था, उसका अपना उद्देश्य था, हमारा कोई और ऑब्जेक्टिव है, हम किसी और तरीके और चीज़ के लिए हम डाटा मतलब लेना चाहते हैं, तो कई बार ये जो डाटा होता है वो पूरा अवेलेबल हमें नहीं होता, जो चीज़ हमें चाहिए वो नहीं मिलती, फिर क्या करें। थर्ड इज़ लेस इंफॉर्मेटिव। कई बार कई कंपनियाँ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नेट पर नहीं भी चढ़ाती, वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताती, तो वो लेस इंफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि वो तो किसी कंपनी ने खुद डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंपनी छुपा भी लेती है, तो लेस इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा क्यूशन रिक्वायर्ड। प्रिकॉशन की बहुत ज़रूरत होती है जब हम डाटा किसी का, हमारे पास तो बहुत सारी कंपनीज का डाटा आ जाता है, हमने किसका यूज़ करना है, किसका सही है, ये रिजल्ट ये इस नतीजे पे पहुंचने के लिए हमें प्रिकॉशन रखने होंगे। तो जो जब हम किसी का यूज़ किया हुआ डाटा यूज़ करते हैं, सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं, तो मोर प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। देन लेस ओरिजिनैलिटी। तो ये जो प्राइमरी डाटा होता है वो तो हमने खुद कलेक्ट किया, वो तो ओरिजिनल होता है ना, बट ये जो सेकेंडरी डाटा ये किसी का, किसी और की कलेक्शन है, किसी पर्सन और इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया हुआ है, तो डियर ये लेस ओरिजिनल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल नहीं होता, उतना ओरिजिनल नहीं होता, लेस ओरिजिनल होता है। देन नॉट रिलायबल इन सम केसेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे उसमें ये डाटा रिलायबल नहीं हो, जो हमारे पास सेकेंडरी डाटा पड़ा है उस केस के लिए ये मतलब योग नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो जो हम डाटा सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं वो कई बार हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता ही नहीं, वो रिलायबल नहीं होता, उसके योग नहीं होता, तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। लेस एक्यूरेट होता है सेकेंडरी डाटा, बिल्कुल सच्चा नहीं होता, कई बार अवेलेबल ही नहीं होता नेट पे, या फिर इंफॉर्मेशन कई बार कंपनीज पूरी नहीं देती, जब इसको मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्ति के द्वारा जो जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो इन्वेस्टिगेटर, तो मतलब इसको सही अपने जो हैं क्वेश्चन उनको देख लेगा, बट यदि हमें थोड़ी सी भी हमने इसमें गलती कर दी तो सारा सिस्टम ही रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी हम सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं तो हमें मोर प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होती है। देन जो हमारे पास सेकेंडरी डाटा अवेलेबल पड़ा है वो तो किसी का यूज़ किया हुआ है, हो सकता है वो ओरिजिनल ना हो। तो लास्ट इज़ जो हमारी प्रॉब्लम है फॉर हो सकता है वो उसके साथ रिलायबल ना हो, उसके योग ना हो, तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं सेकेंडरी डाटा की। मीनिंग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमने आज के पीरियड में, हमारे आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।